अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमने एक मशीन तैयार की है जो सेल्फ मेड मशीन है, और ये प्याज काटने के लिए हमने तैयार की है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, ये ब्लेड है इसका, ये इसकी इमोट है जो काम करती है। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये प्याज है, इसको इसके अंदर से गुजार देना, प्याज के अंदर से इसको गुजार के इसको हमने इसके ऊपर लगाना है। ऐसे इसके ऊपर लगा के ऐसे हम इसको घुमाएंगे, या हाथ से आराम से कर लें या इसको घुमा लें। ये देखें, ये चली गई है। अब देखें, ये काटना स्टार्ट कर देगी। ये पूरा प्याज जो है सैकड़ों में काट देगी, बहुत ही आसानी से, और ये बहुत ही यानी कि नरमाई से काम कर रही है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये अब मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसने सारा प्याज जो है वो काट दिया टोटली। ऐसे ही अब आपने जब दूसरा प्याज काटना है, इसको उतार देंगे, इसको ऐसे घुमाएं, ये मिनटों में उतर जाएगी। आप इसी तरह इससे आलू भी काट सकते हैं। आलू चिप्स के लिए काटने हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से काटती है। अब ये एक दूसरा प्याज है, अब मैं आपको वो दिखाऊंगा इसको कैसे वो करेंगे। ये देखें, इस इधर रखना है इसको, ऐसे इसमें से गुजार देना है इसको। ये ऐसे लगाना कि ये पेज जो ऊपर की साइड पे हो, इसको लगाएं ऐसे। ये देखें, ये सिर्फ कुछ सेकंड में सारा प्याज जो है वो काट देगी। बिल्कुल बारीक प्याज काटती है, सलाद के लिए, होटल में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल ये बारीक प्याज जो है वो घरेलू किचन में काट दी। घरेलू किचन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये हमने घरेलू किचन के लिए ही बेसिकली तैयार की है। ये देखें, ऐसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस मशीन को नहायत ही आसान है इसका इस्तेमाल बिल्कुल, और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने वाश करना है। वाश करके आपने इसको रख देना है। इंतहाई मुनासिब प्राइस है इसकी। देखें, आप इसको उतारें, ऐसे उतारने के बाद इसको आप वाश करें। वाश करने के बाद आप इसको कहीं भी अपने इस्तेमाल कर रख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल बारीक प्याज उसने काटा है। ये देखें, बिल्कुल बारीक है। ये सलाद के लिए, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल इतना बारीक प्याज काट रहा है। देखें, इतना बारीक प्याज काटा, और अगर ये काम करना छोड़ जाए तो सिर्फ इसकी ये जो ब्लेड है इसको थोड़ा सा अपना तेज़ करवाना है, तो ये फिर काम करना चल जाए। अव्वल तो ये काम करना नहीं छोड़ती। अगर किसी वजह से बच्चे इसको ख़राब कर देते हैं तो आपने ये जो ब्लेड है इसको सिर्फ थोड़ा सा तेज़ करवाना है, तो ये सही हो जाएगी।